तो लास्ट टाइम ये अपन ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स को मान लो है ना, कुछ भी मान लेते हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है ना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा है ना? मुझे एक नया वेक्टर फाइंड करना है आर वेक्टर, सच दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब आर वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो वो वेक्टर हम जानते हैं ट्राइंगल ऑफ एडिशन से ऐसे आता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ आर का, रूट ऑफ ए स्क्वायर सही है, ठीक है। और एंगल कितना बनाएगा ए वेक्टर से, ऐसे भूलना नहीं है भाई इसका, या तो कोई ऐसा सोच लिया करो, तुरंत दिमाग में सोचा करो, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, जैसे करा था अपन है ना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए वेक्टर एडिशन के लिए, यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। चलो कुछ सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं एक इंसान इस डायरेक्शन में 3 मीटर गया ना, फिर वो इस डायरेक्शन में गया, कुछ भी ले लेते 10 मीटर गया मान लो, और ये एंगल है 53 डिग्री, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन डायरेक्शन के साथ, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, ये आता ना 53 डिग्री वगैरह, साइन 37 डिग्री कितना होता है, साइन 37 डिग्री या फिर कॉस 53 डिग्री होता है तुम्हारा 3/5, और कॉस 37 या फिर साइन 53 4/5 हो गया, सीधा फॉर्मूला ही लगाना है हमको, क्या जाएगा बताओ। मान लेते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है ना, ये तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 10 कॉस ऑफ, यही तो फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूले में रखना है हमको, क्या जाएगा भाई 9 + 100 प्लस कितना ये 60 और ये कितना है 3/5, तो कितना आ गया तुम्हारा टोटल, कितना आ रहा है ये जो 36 हो गया, ये 145, रूट 145 मीटर का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट इतना है रूट 145 मीटर। एंगल कितना है भाई, किस एंगल पे हो रहा है तो हम बता देते हैं, यहाँ से बता देते हैं एंगल, इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट था उससे कितने एंगल पे हुआ है नेट डिस्प्लेसमेंट, तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा बताओ, टेन साइन 53 डिग्री, देखो बी साइन थीटा है ना, जो फॉर्मूला है उसको ही लगाते जा रहे हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा 3 + 10 कॉस 53 डिग्री, जो फॉर्मूला है उसमें रखते जा रहा हूँ बस मैं, सबसे पहले ये लगाना आना चाहिए तुम्हें, कितना आ जाएगा 10 sin 53 भाई 4/5 8 हो जाएगा, ये 3+ और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, तो कितना आ गया 8/9, ये तुम्हारा एंगल है। तो देखो यहाँ पर कोई डाउट है फॉर्मूले लगाने में, बस वैल्यूज रखना आना चाहिए हमको, ठीक है। देखो दो वेक्टर्स हैं मेरे पास है ना, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है पी और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है पी, और इनके बीच का एंगल है थीटा, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अच्छा ये फॉर्मूले पता है ना, 1 + cos θ क्या होता है 2 cos² θ/2 और 1 - cos θ कितना होता है 2 sin² θ/2, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है फिर करते हैं, ये मान लेते हैं भाई इसका जो भी रिजल्टेंट है आर मान लेते हैं, यही लेंथ तो निकालनी है तुमको और इसका एंगल निकालना है, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो पी स्क्वायर प्लस 2 × p × p cos थीटा, क्योंकि ए और बी दोनों पी हैं यहाँ पर, तो आर कितना हो गया तुम्हारा, ये देखो p² + p² 2p² + 2b² cos थीटा। अब यहाँ से क्या करें बताओ, 2p² को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच रहा है, और 1 + cos θ क्या होता है 2 cos² θ/2। अब देखो 2 और 2 तो बाहर आ जाएंगे,
पी भी बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, 2 पी कॉस थीटा बाय 2 पी। चाहो तो इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो। बहुत सी बार ऐसा होता है फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में सेम मैग्नीट्यूड की चीज़ों को ऐड करना होता है, तो सीधा रिजल्टेंट हम निकाल देंगे 2 पी कॉस थीटा बाय 2 पी। ठीक है, एंगल निकालना था हमको ना, तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो p साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यही आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, p तो कट गया, साइन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा। अब तुम्हें साइन थीटा का और फॉर्मूला आना चाहिए, साइन टू थीटा क्या होता है ये बताओ, टू साइन थीटा। देखो जब तक ये सारे फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा कुछ भी, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले होते हैं ये याद होने चाहिए तुमको। साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा क्या हो जाएगा फिर, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अरे इस एंगल को आधा करा तो ये दोनों भी तो आधे होंगे, बताओ यहाँ पे कुछ डाउट है क्या ट्रिग्नोमेट्री के इन फॉर्मूले में, और ये याद होने चाहिए हमको। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पे रख देता हूँ मैं, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और वन प्लस कॉस थीटा की जगह पे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कट गया, एक कॉस थीटा बाई टू से एक कट गया ना, तो क्या बचा तुम्हारा, टेन अल्फा इक्वल टू साइन बाई कॉस टेन थीटा बाई टू, टेन और टेन है ना, तो अल्फा क्या आ जाएगा थीटा बाई टू। तो इसलिए बोला था इस केस को याद रख सकते हो ना, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल सीधा आधा हो जाता है, और रिजल्टेंट तुम इस तरह से निकालोगे। अब बोर्ड ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, करें आगे क्वेश्चन, इसमें डाउट है किसी को कहीं भी बताओ, और ये फॉर्मूला अभी याद कर लेना, एक और फॉर्मूला होता है उसको भी याद कर ही लो, लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस टू थीटा, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस टू थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को तुम क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, सेम चीज है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कॉस टू थीटा को तीन तरीके से लिख सकते हैं, तीनों पता होना चाहिए तुमको, क्लियर है क्या। और एक्चुअली इसी फॉर्मूले से ये वाले भी निकल के आते हैं, अब तुम सोचना कैसे आएगा, है ना, सेम ही है वो दोनों। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये ले लेते हैं वेक्टर, ले लेते भाई अपना पी है, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, और इनके बीच का कुछ एंगल है थीटा, इसका रिजल्टेंट आ गया अपना आर वेक्टर। तो मुझे चाहिए आर वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, पहला क्वेश्चन है भाई तुम्हारा कि आर वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मतलब इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है और कब होगा, क्या कंडीशन है। पी और क्यू कॉन्स्टेंट है, तुम पी और क्यू को चेंज नहीं कर सकते, थीटा को तुम वेरी कर सकते हो, इसमें पी और क्यू कॉन्स्टेंट है, थीटा वेरिएबल है। हाँ थीटा को 180 ले ले, जैसे भी ये ऐसा कर दे 0 डिग्री ले ले, बहुत सही है ना। ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैक्सिमम चाहिए तो थीटा को क्या ले लो, 0 डिग्री। थीटा को 0 डिग्री ले लेंगे तो बताओ क्या सीन बन रहा है, कैसा बनेगा, पी वेक्टर अपना ऐसा बन जाएगा, क्यू वेक्टर ऐसा बन जाएगा, रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा आर वेक्टर, ये अब तुम खुद देख सकते हो, देख के भी समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता। तो क्या बोल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई आर की, पी प्लस, दिख रहा है ना, लेंथ ही तो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके एरो की लेंथ होती है, तो दोनों एरोज की लेंथ ऐड कर दी, पी प्लस क्यू आ गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पी प्लस क्यू। इसको देखो एक तरीके से और देख सकते हैं, फॉर्मूले से भी देख सकते हो, जैसे देखो आर तुम्हें पता है क्या था भाई, आर तुम्हारा है रूट ऑफ पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक तो हम इस तरह से देख सकते हो ना, मैथमेटिकली भी हम इसको कर सकते हैं, प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब सोचो तुम्हें इसकी मैक्सिमम फाइंड करना है ना, ये फॉर्मूला इसका मैक्सिमम फाइंड करना है, तो क्या करो भाई, देखो पी क्यू तो कॉन्स्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बताओ। अगर तुम्हें आर का मैक्सिमम चाहिए, मान लो है ना, मान लो तुम्हें आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फॉर आर मैक्स, कॉस थीटा कितना होना चाहिए, वन, और वो कब होता है पता चल गया भाई, आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा पता है ना, कॉस थीटा माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन से और वन के बीच में लाई करते हैं, उसके बाहर कभी नहीं जा सकते, अगर नहीं पता तो पता कर लो है ना। और इनके ग्राफ्स आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के, इलेवेंथ वाले से पूछ रहे हैं, ये सब बता दिया अभी ट्रिग्नोमेट्री में भाई, ये भी सही है, सब एक क्लास में पढ़ते हो और आधे बोल रहे हैं बता दिया, आधे बोल रहे हैं नहीं बताए, बताए ना क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है अच्छे से तो मैथ्स में समझ में आएगा, अभी तो बस याद रखना है, मैथ्स में पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना डिटेल में, अभी तो बस यूज़ करने के लिए समझना है बस उतना, ठीक है। तो आर मैक्स बताओ क्या हो जाएगा, रख दो कॉस थीटा की जगह पे वन रख दो, क्या बन गया बताओ, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का स्क्वायर, तो आर मैक्स क्या आ गया, पी प्लस क्यू। तो देखो अपन ने एक तो भाई ऐसे जियोग्राफिकली देख लिया, दूसरा मैथमेटिकली भी देख लिया हमने, है ना, मतलब ग्राफ से भी समझ में आ रहा है अपन को, उसके एरोस बना के भी समझ में आ रही है वाली चीज़, और मैथ से भी समझ में आ रही है, तो तब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। अच्छा अगर मिनिमा चाहिए बताओ, चलो मिनिमा के लिए बोलो, आर मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस वन, कब होता है जब थीटा 180 डिग्री हो जाए, कॉस 180 डिग्री माइनस वन होता है, ठीक है तो रख दो भाई यहाँ पे, तो आर मिनिमम क्या आ रहा है हमारा बताओ, क्या बनेगा, कॉस थीटा को माइनस वन रख दोगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, देखो यही आ रहा है क्या, और ये क्या किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है तुम्हारा रूट ऑफ पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो आर की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, पी माइनस क्यू नहीं, मॉड ऑफ पी माइनस क्यू, अब ये क्या भला है भाई, मॉड लगा दिया, पी माइनस क्यू लिखना था ना, ये मॉड क्यों लगा दिया फिर मैंने, हाँ तो पी बड़ा होगा तो लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, पर अगर क्यू बड़ा हो गया, हमें ये थोड़ी ना पता है पी और क्यू में कौन सा बड़ा है, मान लो पी फाइव है और क्यू टेन है, पी फाइव है और क्यू टेन है तो पी माइनस क्यू क्या आएगा, हाँ पर भाई मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये तो लेंथ बता रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं होगा, वो तो पॉजिटिव ही होना है, समझ में आ रहा है क्या, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। देखो इसको फील भी कर सकते हो, मान लो तुम 5 मीटर आगे गए और 180 डिग्री बोल रहे हैं ना, 180 डिग्री मतलब दूसरा वेक्टर बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, मान लो ये क्यू वेक्टर है ना, देखो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री कर दिया मैंने, पी वेक्टर था क्यू वेक्टर को 180 डिग्री कर दिया तो ऐसा हो गया, और मान लिया क्यू वेक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव में आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। देखो इस बार आर वेक्टर क्या है तुम्हारा, P वेक्टर माइनस मतलब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर है ना, देखो कोई डाउट है तो, और अगर P वेक्टर बड़ा होता तो तुम्हें ऐसा दिखता, अगर P वेक्टर बड़ा है तो ये P वेक्टर बन गया, ये Q वेक्टर बन गया, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, रिजल्टेंट कैसा आ जाता, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। दोनों केस देख लिए, इस वाले केस में Q ग्रेटर देन P है, इस वाले केस में P ग्रेटर देन Q है, दोनों केस दिखा दिए मैंने तुम्हें, तो ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है ना रिजल्टेंट वेक्टर की। तो हमको पता चल गया आर की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है, अब जो आर होगा भाई कोई भी चीज़ उसकी मैक्सिमम से तो क्या होगा हमेशा छोटा होगा, अरे मतलब ही है मैक्सिमम का, और मिनिमम से क्या होगा बड़ा होगा, तो जो आर है, जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसके मैक्सिमम से छोटा होगा मिनिमम से बड़ा होगा, तो अब आर वेक्टर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा हमारा, मॉड ऑफ P माइनस क्यू उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है P प्लस क्यू, इसके बीच में लाई करेगा रिजल्टेंट, इसके बाहर नहीं जा सकता रिजल्टेंट,
शायद तुम लोग मॉड से फैमिलियर नहीं हो, हो चलो देखते हैं कितना फैमिलियर हो। स्टार्टिंग में वेक्टर पढ़ाने से पहले बहुत सारी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना, तो इसमें ये सब चीज़ें बताते हैं, मॉड, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करवाते हैं, अप्रोक्सीमेशंस, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशंस। तो ये सब जब बहुत अच्छे हो जाते हैं ना तभी फिर फिजिक्स में आगे जाके होता है, इसलिए एक महीने तक मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, मैथ्स अच्छी कर लो पहले, मैथ्स अच्छी होगी तब वेक्टर समझ में आएगा, जब वेक्टर समझ में आएगा तब आगे की फिजिक्स समझ में आएगी, नहीं तो फिजिक्स को तुम कभी कर ही नहीं पाओगे कभी भी अच्छे से अगर मैथ्स में डाउट रहेंगे तो। अपन लिख रहे थे भाई मॉड ऑफ पी माइनस क्यू लिख रहे थे, तो मॉड ऑफ पी माइनस क्यू क्या होगा, कौन बता रहे हैं मुझे बताओ, मॉड ऑफ पी माइनस क्यू क्या होगा? पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी बोलना चाह रहे हो तुम, कब कब होगा कंडीशन के साथ बोलो, क्या चीज? ऐसे बोलो, अगर पी ग्रेटर देन क्यू है तो पी माइनस क्यू आ जाएगा, अगर p ग्रेटर देन q है तो p माइनस q तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा ना, अरे मॉड का मतलब है बाहर पॉजिटिव देना, पर अगर q p से बड़ा है तो फिर क्या आएगा, q माइनस q, इसलिए मैंने मॉड ऑफ p माइनस q लिखा था, है ना, मॉड का मतलब है बाहर हमेशा पॉजिटिव देना। बैठो, आइए समझ में, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन ने एक बड़ी चीज़ और प्रूफ कर दी, पढ़ा होगा बचपन में जो ट्राइंगल होता है उसकी जो थर्ड साइड होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स एंड ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, पढ़ा है कभी? क्योंकि यार ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। अरे ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होती है वो बाकी दोनों साइड्स, मतलब ये जो साइड होगी इन दोनों का जो सम करोगे ये हमेशा उससे छोटी होगी, आर विल ऑलवेज बी लेस देन पी प्लस क्यू। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया, जब हम ट्राइंगल के लिए लिखेंगे तो बस ये इक्वालिटी नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो फिर वो ट्राइंगल नहीं रहेगा, जब आर पी प्लस क्यू के बराबर हो जाता है तो स्ट्रेट आ जाता है ना, ट्राइंगल नहीं रहेगा। तो ट्राइंगल चाहिए तो आर मस्ट ऑलवेज बी लेस देन पी प्लस क्यू एंड मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन पी माइनस क्यू। तो ये देखो वैक्टर से वो भी प्रूफ हो गया हमारा जो ट्राइंगल के बारे में कंडीशन पड़ी थी। बढ़े आगे, यहाँ पर क्लियर है सबको? चलो एक आध क्वेश्चन और कर दो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। लिखो, वेन टू वैक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ए आर एडेड द रिजल्टेंट ऑल्सो हैज द मैग्नीट्यूड ए, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स। हाँ कितना है? जीरो, गलत आंसर। हाँ ये सही है। करें क्या? तो चलो इसको अपन दो मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले मेथड अपन क्या करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं ना इसको। तो वो बोल रहे हैं कि भाई जो अपन को पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। उन्होंने बोला जो दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो पी और क्यू उनका मैग्नीट्यूड कितना है, ए, और उसका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, ए। तो हर जगह ए रख देते तो आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया भाई, वन इक्वल टू, और ये आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, नहीं टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा, वो क्या हो जाता है तुम्हारा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना, अभी पढ़ा था ना, अरे पी और पी को ऐड कर रहे थे तो टू पी कॉस थीटा बाई टू आया था ना, वही लगा दिया मैंने। तो ये तुम्हारा आ गया भाई वन बाई फोर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो कॉस थीटा बाई टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब माइनस वाले में हमको इंटरेस्ट नहीं है ना, वो घुमा के बहुत पीछे का दे देगा, हमसे प्लस वाले को ले लेते हैं। तो भाई कब होता है भाई थीटा, भाई बताओ हाफ कब होता है, 60 डिग्री पे है ना, पाई बाय थ्री, याद है ना, रेडियन में लिखना आता है, ठीक है।
और माइनस हाफ कब होता है, चलो दोनों दिखा देते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों दिखा देते हैं ना। माइनस हाफ कब होता है, 120 डिग्री कॉस 180 माइनस 60 है ना, माइनस हाफ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो देखो थीटा क्या आ गया इससे तुम्हारा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई बाय 3 आ गया और 4 पाई बाय 3 आ गया। एक्चुअली दोनों सेम ही चीज़ बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है भाई, 2 पाई बाय 3 वाला क्या बोल रहा है, एक वेक्टर ही बनाओ, 2 पाई बाय 3 मतलब इतना 120 डिग्री का एंगल हो गया ना, ये हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल ऐसा, ये एंगल 120 डिग्री का हो गया है ना, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये वाला कितना आ गया, देखो रिजल्टेंट भी कितने का आ गया तुम्हारा 60, और 240 से घुमाओगे तो कुछ नहीं, वो बोल रहा है 240 से घुमाना मतलब क्या हो गया, 120 घुमा और 60 और 60 ऐसे घुमा दो तो वही सेम चीज आ जाएगी, नीचे आ जाएगा, वो सेम ही बन जाएगा, बस नीचे बन जाएगा, इसलिए मैथ दो आंसर ये दोनों सही है, 2 पाई बाय 3 ले लो या 4 पाई बाय 3 ले लो, बात सेम ही है, समझ रहे हो। तो जनरली अपन वेक्टर्स का जो एंगल होता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में ही बताते हैं, क्योंकि उसके बाद वो रिपीट होने लगता है। अरे भाई 0 ये हुआ, 180 ये हुआ, इसके बाद रिपीट ही तो हो रहा है वो, तो अपन कौन सा रखते हैं, 2 पाई बाय 3 वाला है ना, 120 डिग्री। आया क्या समझ में? अब देखो इसको अपन पता है सोच के भी कर सकते थे, मेथड नंबर 2 है ना, देख के, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी, कुछ भी नहीं लगाना। जैसे क्या बोला अभी, दो वेक्टर है ये, मान लिया ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी ए है, अब इनके बीच का एंगल तुम्हें निकालना है थीटा, अब ऐसे निकालना है कि इनका जो रिजल्टेंट आए उसका भी मैग्नीट्यूड ए हो, मतलब ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना, और ये बोला है कि भाई ये जो ट्रायंगल बन रहा है तीनों लेंथ की क्या है, उसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल। तो देख के हमें समझ में आ गया भाई जो क्वेश्चन बोला है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऐसे ही बनेगा, ए ए और ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारी साइड्स कितनी होती हैं, 60 60 60, तो ये कितना हो गया ये वाला एंगल दो के बीच का। तो एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे दिमागी दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए, ये तो देखते ही। देखो आया क्या समझ में, दो मेथड से करा हमने, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अच्छा पहले बताओ, उससे पहले डायरेक्शन बता दें, डायरेक्शन के सेंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह ये सब, चलो पता है तो अच्छी बात है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ इनकेस अगर नहीं पता किसी को तो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे काइनेमेटिक्स में, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट करेंगे तो पता होना चाहिए हमको। ये क्या होता है, साउथ, ठीक है चलो। अच्छा ये बताओ ये डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो, और अब ये क्या होगा, अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो 45 डिग्री वाला तो सीधा नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, जब तुम नॉर्थ ईस्ट बोलते हो तो फिजिक्स में इसका मतलब होता है दोनों से बिल्कुल इक्वल है, ईस्ट से भी इक्वल है एंगल और नॉर्थ से भी इक्वल है, तो नॉर्थ ईस्ट तो तब बोलोगे जब 45 डिग्री पे एग्जैक्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब है ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री बना रहा है। अब देखो नॉर्थ से 30 डिग्री बोल दूं अगर अकेला मैं, तो दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, नॉर्थ ही है इससे 30 डिग्री इधर भी हो सकता है, 30 डिग्री यहां भी हो सकता है, तो नॉर्थ से 30 डिग्री बन रहा है किस डायरेक्शन में बन रहा है, ईस्ट की तरफ, समझ रहे हो, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो अपन बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको एक चीज और बोल सकते हैं, इसी को 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्यों भाई, क्योंकि अगर नॉर्थ से 30 डिग्री बना रहा है तो ईस्ट से कितना बना रहा है, 60 डिग्री, तो ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये बिल्कुल आना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये क्लियर होना चाहिए, जिस चीज से एंगल बनता है वो लास्ट में आता है, अगर नॉर्थ से एंगल बन रहा है तो नॉर्थ लास्ट में आएगा, और जिसकी तरफ बन रहा है वो पहले आएगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि अगर क्वेश्चन में यही नहीं समझ पाए ढंग से तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो बता दो इस एंगल को क्या बोलेंगे अपन, ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट,
बिल्कुल सही। या फिर वेस्ट ऑफ साउथ, क्योंकि अगर इससे 37 बना रहे हैं तो इससे आ रहा है समझ में। और अगर मान लो ऐसा है 45 डिग्री बना रहे हैं, फिर क्या बोलेंगे? नॉर्थ, सीधा नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे ना, फिर कोई जरूरत नहीं है। लिखो इसे जल्दी से। लिखो भाई क्वेश्चन, लिखो। ए कार मूव्स विद स्पीड, ए कार मूव्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ए कार मूव्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन इट मेक्स ए सडन लेफ्ट टर्न, इट मेक्स ए शार्प लेफ्ट टर्न ऑफ 90 डिग्री, इट मेक्स ए शार्प लेफ्ट टर्न ऑफ 90 डिग्री एंड कंटिन्यूज विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, एंड कंटिन्यूज विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। फाइन, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। फाइंड चेंज इन स्पीड, सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। बताओ चेंज इन स्पीड कितना है? जीरो। देखो भाई, पहले ईस्ट में जा रही थी ना गाड़ी, कितनी स्पीड से जा रही है? ये क्या हो गई अपनी इनिशियल स्पीड। उसने लेफ्ट टर्न लिया ना, लेफ्ट, अब ऐसे जा रहे हो, लेफ्ट क्या होगा? इधर होगा, मतलब नॉर्थ में ना। सोचो ना, तुम इधर जा रहे हो, लेफ्ट कौन सा होगा तुम्हारा? लेफ्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में 90 डिग्री का। और फाइनली भी कितनी स्पीड से जा रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन स्पीड क्या हुआ है ना, चेंज इन स्पीड वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना आया? जीरो। गाड़ी की स्पीड तो चेंज करी ही नहीं है, और चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा? सिक्सटी रूट टू बच्चे बोल रहे हैं, 60√2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो भाई, बताओ तो। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, क्या बोल रहे हो? नॉर्थ वेस्ट। चलो देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट आएगा नॉर्थ वेस्ट आएगा, चलो देखते हैं ना, चलो करते हैं ना। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है अब तुम्हें ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है तो इसको भाई, इसको सिंपल वाला सब्ट्रैक्शन है, एडिशन नहीं होगा, वेक्टर वाला करना पड़ेगा ना। तो वेक्टर वाला कैसे करते हैं? ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। तो ये तुम्हारा वी फाइनल वेक्टर है, ये वी इनिशियल वेक्टर है। अब माइनस करने का क्या तरीका देखा था अपन ने? ऐड कर दो है ना, वी इनिशियल को वी इनिशियल से पहले क्या निकालेंगे? माइनस वी इनिशियल निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो इसका माइनस करना मतलब रिवर्स। तो वी इनिशियल की जगह मैं क्या बना रहा हूँ? माइनस वी इनिशियल। तो ये वी इनिशियल हटा दो है ना, हमको पता है इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ही। अब इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए क्या पढ़ा था अपन ने तरीका? हेड टू टेल, हेड टू टेल ज्वाइन करो। तो क्या करें, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो कैसा आ जाएगा तुम्हारा? ये v फाइनल वेक्टर है और ये क्या है तुम्हारा? माइनस v इनिशियल वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड 60-60 है, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ये, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर चाहिए था वो ये आ गया तुम्हारा। समझे ना, वेलोसिटी वेक्टर, उसको वेक्टर के तरीके से करेंगे ना। फिर से देखो, हमको इन दो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करना था। हमने पढ़ा था वेक्टर में सब्ट्रैक्शन भी एडिशन के तरीके से करा जाता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब वी इनिशियल वेक्टर इधर था,
माइनस बी इनिशियल यहां पे हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है ना, बी फाइनल और माइनस बी इनिशियल को ऐड करना है तुम्हें, और ऐड करने के लिए हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, बना दिया, ये आ गया तुम्हारा। अब इसकी लेंथ क्या होगी बताओ, ये 60 है, ये भी 60 है, ये 90 डिग्री है, ये लेंथ क्या होगी 60 रूट टू, और डायरेक्शन क्या होगा बताओ, अभी ये एंगल 45 डिग्री होगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस नॉर्थ वेस्ट, तो चेंज इन स्पीड आ गई तुम्हारी 60 रूट टू किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट। अपने